11 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश ने जिला कलेक्ट्रेट पर एक दिवसीय धरना देकर पुरानी पेंशन बहाली की मांग की। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ, कर्मचारी संघ, पंचायती राज, ग्रामीण सफाई संघ, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, श्रम विभाग सहित राज्य कर्मचारी संयुक्त परिसर के समस्त संगठन सम्मिलित हुए। कर्मचारी संगठनों के द्वारा विगत कई वर्षों से पुरानी पेंशन बहाली, कैशलेस चिकित्सा सुविधा, वेतन विसंगतियां और समाप्त हुए भत्तों के संबंध में संगठनों द्वारा एक ही मंच के तहत एकत्र होकर आंदोलन किया जा रहा है। धरने में उपस्थित जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा द्वारा कहा गया कि प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर सभी शिक्षक, कर्मचारी और पेंशनर इस संघर्ष को अंत तक पहुंचाएंगे। जिला महासचिव रामवीर शर्मा द्वारा कहा गया कि कलेक्ट्रेट सहित संपूर्ण जिले के कर्मचारी और शिक्षक और अधिकारी एक साथ हैं। सरकार को उनकी मांगों को मानना ही होगा, नहीं तो वे हर हाल में मनवा कर रहेंगे। विशेष रूप से उपस्थित राज्य कर्मचारी संयुक्त परिसर के प्रदेश उपाध्यक्ष DS दीक्षित ने कहा कि ये सभी विभागों का संयुक्त मांग पत्र है। मैं रामवीर शर्मा, प्रधान महासचिव कर्मचारी शिक्षक अधिकारी पेंशनर्स मंच, आज हम अपने संघ के प्रांतीय आह्वान पर 21 सूत्री मांगों को लेकर आज धरना दे रहे हैं, जिसमें जनपद के सभी कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी और पेंशनर्स शामिल हैं। हमारी जो सबसे प्रमुख मांग है, पुरानी पेंशन की बहाली। जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो अप्रैल 2005 से सेवा में आई है, उनके लिए NPS की व्यवस्था है, मतलब पुरानी पेंशन की व्यवस्था नहीं है। तो अपनी पूरी सेवा करने के बाद भी उनके हाथ में कुछ नहीं आएगा, मतलब उनके परिवार के का भरण पोषण होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी पुरानी पेंशन की बहाली, कैशलेस चिकित्सा सुविधा और अन्य जो 21 सूत्री मांगे हैं, जो वर्षों से लंबित चली आ रही हैं, जिसके बारे में कई बार वार्ताएं भी हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई भी शासनादेश जारी नहीं हुए हैं। हम उत्तर प्रदेश सरकार से आह्वान करते हैं, अनुरोध करते हैं कि कर्मचारी शिक्षकों की इन जायज मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा करें, नहीं तो अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। हमारा अभी आगामी आंदोलन लखनऊ में होगा। जी, जैसे आज ये धरना दिया जा रहा है, किसको लिया जा रहा है, क्या मामला है? मैं अध्यक्ष कर्मचारी शिक्षक अधिकारी पेंशन मंच मथुरा। आज जो धरना दिया जा रहा है, ये जो हमारे कर्मचारी और शिक्षक अधिकारियों की जो पुरानी पेंशन की मांग है, उसको लेकर के और अन्य मांगों को लेकर के आज एक दिवसीय धरना ये प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर दिया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से जो मांगें रखी गई हैं, पुरानी पेंशन और जो वर्ष 2017 में हमारे जो शिक्षा मित्र भाई थे, उनको अध्यापक बना करके उन्हें पुनः शिक्षा मित्र बना दिया, उनको पुनः अध्यापक बनाने के लिए अन्य जो बहुत सी मांगे हैं सर जिले की, और 21 सूत्री मांगों को लेकर के धरना दिया जा रहा है। यदि सरकार इस धरने से या समझो बात करने के लिए तैयार नहीं होती है, तो 21 नवंबर को इको गार्डन में समस्त लखनऊ में समस्त शिक्षक कर्मचारी अधिकारी एक विशाल रैली होगी। उसके बाद जो भी प्रादेशीय नेतृत्व निर्णय लेगा, उसके तत्वान में आगे के कार्यक्रम होंगे।